और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। जी, तो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, जो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है, जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है, तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे जबकि सरकार भी बनाएंगे। जी, थैंक यू। वो कांग्रेस देखे कि उनका क्या काम है पिछले 5 सालों में, जब वो केंद्र की सरकार में रह के भी सरकार नहीं बना पा रहे, केंद्र में भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, तो वो उनकी कमियां है, अपनी उनकी कमियां दूसरी पार्टी और दूसरी राजनीतिक दलों पे डालना, ये तो हम भी पलट के बोल सकते हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो और तभी तुम हम लोग राजनीतिक जो रीजनल पार्टी है उनको उभरने नहीं देती।